आज नरेंद्र मोदी की ओर से तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली जाएगी। शानदार ये पूरा कार्यक्रम हो, इसको लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। ताजपोशी आज शपथ ग्रहण समारोह है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, मंत्रियों के साथ ये शपथ ग्रहण होगा। मोदी 3.0 में एनडीए के सभी दल शामिल हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि आज बीजेपी सरकार का नहीं, एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। पहली बार अपने राजनीतिक करियर में नरेंद्र मोदी मिलीजुली सरकार बनाने जा रहे हैं, चाहे इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री वो रहे हों। पूर्ण बहुमत के साथ हमेशा उन्होंने सरकार बनाई है, 2014 में केंद्र में, साथ ही साथ 2019 में भी केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। लेकिन पहली बार नरेंद्र मोदी मिलीजुली सरकार चलाने जा रहे हैं, मोदी सरकार 3.0, जिसका आज शपथ ग्रहण समारोह है। नरेंद्र मोदी के अलावा कुछ कैबिनेट मंत्रियों की ओर से भी शपथ ली जाएगी। ज्यादा जानकारी इस पर मैं ले लेती हूँ, ग्राउंड पर आपको ले चलते हैं। मेरे साथ दिल्ली से आरजू सेठ जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता। आरजू, कितनी भव्य तैयारियां की जा रखी हैं, विदेशी मेहमान क्या सभी पहुंच चुके हैं, कितने लोग इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेंगे नरेंद्र मोदी के साथ साथ, और कितने मंत्री लेंगे शपथ? जी बिल्कुल, देखिए हर कार्यक्रम जो है भव्य होता है, और इस बार भी क्योंकि ये 3.0 की शुरुआत है, प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं, ये कार्यक्रम भी भव्य देखने को मिलेगा। आपको बता दें, सुबह की शुरुआत जिस तरीके से हम देखते हैं कि हर बार प्रधानमंत्री जब भी किसी नए चीज की शुरुआत करते हैं वो राजघाट जाते हैं, और आज की शुरुआत भी दिन की प्रधानमंत्री पहले राजघाट जाएंगे, जहां पर महात्मा गांधी को एक ट्रिब्यूट। आज आपको रोक रही हूँ, बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे देते हैं। थोड़ी देर में राजघाट पहुंचने वाले हैं नरेंद्र मोदी। राजघाट पर नरेंद्र मोदी बापू को नमन करेंगे, अटल समाधि स्थल भी जाएंगे, इसके बाद पीएम मोदी वॉर मेमोरियल भी जाएंगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर आज नरेंद्र मोदी लेने वाले हैं शपथ, और नरेंद्र मोदी का क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है अभी शपथ ग्रहण से पहले, ये हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बापू को नमन किया जाएगा नरेंद्र मोदी की ओर से, वॉर मेमोरियल भी इसके बाद जाएंगे नरेंद्र मोदी। राजघाट थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, राजघाट पर जाकर बापू को नमन किया जाएगा, और उसके बाद अटल समाधि भी जाएंगे मोदी। आरजू इस पर मेरे साथ बनी हुई हैं। आरजू, शपथ ग्रहण समारोह तो शाम को है 7:15 बजे, लेकिन कितनी देर में फिलहाल पहुंच रहे हैं नरेंद्र मोदी राजघाट? बिल्कुल, देखिए 7 बजे का समय जो है वो प्रधानमंत्री का है राजघाट जाने का, और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जो है वो राजघाट पहुंचेंगे। हर बार किसी भी बड़े कार्यक्रम को करने से पहले प्रधानमंत्री राजघाट जाते हैं, और उसी तरीके से आज भी बहुत बड़ा दिन, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें या फिर एनडीए देश की बात करें, बहुत बड़ा दिन है, और आज भी प्रधानमंत्री पहले राजघाट जाएंगे, वहां पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि पे करेंगे, जिसके बाद फिर वो अटल स्मृति जाएंगे, जहाँ पे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को वो श्रद्धांजलि जो है वो पे करेंगे, जिसके बाद वो वॉर मेमोरियल भी जाएंगे। कुछ शेड्यूल जो है पिछली बार की तरह 2019 में भी उन्होंने इसी तरीके से अपने दिन की शुरुआत जो है वो की थी, और इस बार भी हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री किस तरीके से जो हीरोज है देश के उनको श्रद्धांजलि पे करेंगे, और उसके बाद भी अपने दिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें 9 से 10 बजे के करीब प्रधानमंत्री जो है वो कैबिनेट का जो हिस्सा होने वाले मंत्री उनके साथ भी मुलाकात करेंगे, उनके साथ भी चाय पे बातचीत जो है वो प्रधानमंत्री करने वाले हैं, तो देखने वाली बात होगी आखिर क्या कुछ आज प्रधानमंत्री खास करते हैं। लेकिन वहीं आपको तस्वीरें अगर दिखाएं तो इस वक्त हम आईटीओ पे मौजूद है, और यही यही रास्ता जो है वो राजघाट की तरफ जाता है, उसी को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी जो है उसको भी पुख्ता कर दिया गया है। आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी जो है वो भी यहाँ पर खड़ी हुई है, और लगातार चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग जो है वो भी लगा दी गई है, और इसी के साथ ही जो पुलिस कर्मी है वो भी जगह जगह ऑफिसर जो है सीआरपीएफ के जवान जो है उनको भी तैनात कर दिया गया है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जो है वो राजघाट पहुंचने वाले हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार देखिए पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, पूरे रास्ते पर लगातार हम देख रहे हैं पेट्रोलिंग जो है वो चल रही है, पुलिस लगातार यहाँ से बाइक लेकर भी निकल रही है, तो पूरे वीआईपी मूवमेंट, वीवीआईपी मूवमेंट जो है आज राजधानी में देखने को मिलेगा, जब अन्य देशों के जो सुप्रीमो है यहाँ पर पहुंचेंगे तो उसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा भी पूरे राजधानी की पुख्ता कर दी गई है। जी, सुरक्षा चाक चौबंद रहने वाली है, ना सिर्फ अभी जब पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं राजघाट और अटल समाधि,